संतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ताली बजाकर समारोह का सम्मान करें। धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि और माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि वो अपने अपने सीट पर बैठ जाए ताकि इसका सुरक्षित और चाइना बॉर्डर पर अपना वीरता का परिचय, देश को सुरक्षा के लिए अपना शहीद हुआ हम इन शहीद परिवारों को, उनका माता पिता को सम्मान, भाई को सम्मान करते हुए आज जो एक लेखक जो रचना किया है उसे फिल्म के रूप में हम लोग उस रचना से परिचय होंगे। सभी इसमें उपस्थित शुभ चिंतक, समाजसेवी, पत्रकार साथी जो इसी के माध्यम से झारखंड प्रदेश से लेके भारतवर्ष के पैमाने पर इस बलिदान से जुड़ा हुआ, जो लेखक ने अपना प्रयास किया है प्रदेश और देश के अंदर में, वो हम लोग उससे कुछ सीखेंगे और उसको एक प्रेरणा के रूप में भी हम लोग अपनाएंगे। जो आज वीर से गणेश हंसदा इस धरती में मानव जीवन के बीच में उनका शहीद, उनका बलिदान को हम लोग याद करते साथ उनका प्रति परिवार के प्रति हम सब एक और शहीद गणेश हंसदा उनका कुर्बानी देश के प्रति, समाज के प्रति याद रहे इस इतिहास को एक दिन आने का समय आने वाला पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में रहे। आज इस खुशी का माहौल भी है, कुछ चलचित्र में हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहके आज हम लोग जो भी संस्था की ओर से अपना प्रयास किया है उसको सराहना करते हुए
अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, शहीद गणेश दत्त, जय हिंद। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इसी दिन के सम्मान का दिन है, इसी को हम लोग यद्यपि प्रजातंत्र दिवस से करते, लेकिन भारतवासी ने उस समय कांग्रेस ही हमारे जातीय दल थे, उन्हें इस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के हिसाब से पालन करते थे। आज का दिन में शहीद गणेश हंसदा का ये जो हम लोग पालन कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। झारखंड का बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कानू और ये जो गणेश हंसदा, आज भी झारखंडी लोग का जो बलिदान है वो इस देश का, भारतवर्ष का मान ऊंचाई